Hello everyone, welcome to all of you. My name is Pooja Rawat and in this session, I'll be talking about how to say I don't know in an interview. Imagine you are stuck in a question. आपसे इस तरीके का कोई question पूछा जाता है जिसका answer आपको नहीं पता. So in that scenario, what would be your response? क्या आप I don't know बोल सकते हैं? Or is there any other ways to respond to such question? ठीक है, तो इसी के बारे में आज का पूरा ये session जो है वो dedicated है. तो हम बात करेंगे क्या तरीके हैं जिससे आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको डील कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है किसी इंटरव्यू में जिसका कि आंसर आपको नहीं पता और यू कुड नॉट इमिडिएटली रिस्पॉन्ड टू सच क्वेश्चन और आंसर सच क्वेश्चन, देन टेक सम टाइम टू थिंक. देयर इज नथिंग wrong in taking some time. Take a moment to breathe, to think, to gather your thoughts and then answer that properly. Normally हम जब किसी interview में होते हैं और हमें कोई question नहीं आता है और हम अगर 2 सेकेंड या 3 सेकेंड का भी pause लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद interviewer या panelist के आगे हमारा जो impression है वो खराब हो रहा है and it feels longer. ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड कि आप जो टाइम ले रहे हैं 10 सेकेंड 12 सेकेंड वो आपको ज़्यादा लग रहा है बट इंटरव्यूअर को नहीं लग रहा है. ही ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू टेक सम टाइम एंड गैदर दीज थाट्स. ठीक है, गैदर योर थाट्स एंड थिंक थ्रू अ स्ट्रॉन्ग आंसर. ठीक है, सो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग सम टाइम और इन टेकिंग सम मोमेंट टू थिंक अबाउट सच क्वेश्चन. सो यू कैन टेक योर टाइम फर्स्ट थिंग फर्स्ट. देन और क्या वेज हो सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने के लिए? सो यू कैन आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस. सो क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस का मतलब क्या है? यू कैन सिंपली आस्क फॉलो अप क्वेश्चन. हो सकता है कि इंटरव्यूअर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप उस पर्टिकुलर जिस तरीके से उन्होंने उस क्वेश्चन को फ्रेम किया आप उसको सही से नहीं समझ पाए. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन फुली. सो यू कैन सिंपली आस्क इंटरव्यूअर लाइक I don't think I understand your question. Can you please explain it? Right? So, उस तरीके से क्या होगा? आपको एक better sense मिलेगा. जब interviewer उसको simpler words में explain करेगा उस question को आपके लिए, उस statement को आपके लिए. So, you'll also have a better sense of what they are looking for. Right? And then you can respond more broadly. Right? तो आप क्या करेंगे उसके बाद question आपको explain हो जाएगा and you'll also get some time. So, this is also a trick. I would say कि आप यू जस्ट बाइंग अ टाइम, है ना, यू जस्ट बाइंग टाइम टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन इन योर माइंड एंड यू कैन सिंपली से दैट कि आई डोंट थिंक आई अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और यू कैन आस्क देम कैन यू प्लीज सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन फॉर मी, राइट? सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. सो ये तो हो गई. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप टैक्टफुली स्ट्रेटेजिकली यू कैन बाय सम टाइम फॉर योर सेल्फ, राइट? And you should understand that कि अगर आप I don't know भी बोल रहे हैं तो there's nothing wrong in it, right? You can say that and it only reflects your honesty. तो ये candidate की honesty ही दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास आपको कोई answer नहीं आता है, if you're lacking some information on some topic, then you're honest enough to acknowledge that. All right? समझ रहे हैं हम? Then और किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं? यू कैन सिंपली से दैट आई हैवन्ट डेल्ट विद सच अ सिचुएशन एंड आई हैव नॉट थॉट अबाउट सच क्वेश्चंस बिफोर बट आई वुड स्टार्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू माई सेल्फ, राइट? और यू कैन से दैट आई हैव टू लुक इनटू इट अ बिट मोर, राइट? सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं. क्योंकि आपसे अगर मान लीजिए कोई सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप अगर इस सिचुएशन में होंगे तो आप क्या करेंगे, राइट? सो आप उन क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैंने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा बट आई वुड स्टार्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू माई सेल्फ, राइट? और अगर आपका कोई टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो यू कैन से दैट कि दिस कॉन्सेप्ट इज न्यू टू मी, राइट? एंड आई हैव टू लुक इनटू इट अ बिट मोर, राइट? कभी भी ब्लफ मत करिए. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो डोंट गो ऑफ द टैंजेंट, यानी कि उस टॉपिक से डिविएट मत हो जाइए. कुछ भी बोलना इज नॉट आई वुड से आपको नहीं मैं सजेस्ट करूँगी, एडवाइस करूँगी. इट्स नॉट एडवाइजेबल टू स्पीक एनीथिंग
जो भी टॉपिक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, सिर्फ अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप आंसर दीजिए, नहीं पता है तो यू कैन यूज दीज फ्रेजेस. ऑलराइट, सो एक प्रोफेशनल लुक भी आपको प्रेजेंट करेगा और एक आपकी ऑनेस्टी को दिखाएगा कि यस यू कैन एक्नॉलेज दीज थिंग्स. एंड इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू सोनी पिक्चर नेटवर्क के जो CHRO हैं उन्होंने भी बोला था कि अगर कोई पर्सन एक्नॉलेज करता है, अगर कोई कैंडिडेट एक्नॉलेज करता है कि ही और शी डजंट नो दिस क्वेश्चन और डजंट नो द आंसर, सो इट जस्ट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कैंडिडेट्स ऑनेस्टी एंड इट्स अ साइन ऑफ मेच्योरिटी एंड विजडम टू स्टेट दैट आई डोंट नो दिस आंसर, राइट. एंड मेनी एक्सपर्ट्स ऑल्सो बिलीव दैट जब इंटरव्यूअर आपसे इस तरीके के कोई क्वेश्चन पूछते हैं, स्ट्रेस इंटरव्यू होता है जिसमें कि उन्हें पता होता है कि शायद आप इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, तो दे जस्ट वॉन्ट टू असेस योर थॉट प्रोसेस. ठीक है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से आप सिचुएशन को डील करते हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू नो दैट. ठीक है, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपका नॉलेज का टेस्ट प्रिलिम्स में हो चुका है, मेन्स में हो चुका है, तो दे नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज, दे टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी, किस तरीके से आप अनफोर्सिंग चैलेंजेस को डील करते हैं, वट इज़ योर थॉट प्रोसेस, कितने ऑनेस्ट हैं आप अपने साथ, कितने मेच्योर हैं, राइट. सो यू कैन पोलाइटली मेक इट नोन दैट यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन एंड यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड और प्रेटी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट थिंग एंड यू विल डेफिनेटली लुक इन टू इट आफ्टर द इंटरव्यू. सो यू जस्ट हैव टू पोर्ट्रे और कन्वे दिस थिंग टू द पैनलिस्ट, टू द इंटरव्यूअर, राइट. सो yeah, so this was all that I wanted to say from my side. Don't be panic agar aapke paas kisi bhi tarike ke is type ke questions aate hain aur jinka answer aapko nahi pata hai, so you can simply use these phrases which I've already talked to you, I've already told you, right. So these are the phrases that you can easily use in your interview and I hope is question ka aur is confusion ka आपको आज सोल्यूशन मिल गया होगा कि किस तरीके से इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है आप टैकल कर सकते हैं. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्टडीइंग. गुड बाय.